चीज़ बताएं, आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान को ख़ुद हीरो बनाया, हर हर टॉक शो में, हर इजलास के अंदर मौलाना फजल रहमान आप लोग ख़ुद बोलते हैं, आपके वज़ीर ख़ुद उनके बारे में बयानात देते हैं। अब जब वो आ रहे हैं तो फिर अब पहले आप लोग कहते थे आ जाएं, फिर कह रहे थे ना आएँ, अब वो आ रहे हैं, अब फिर आपकी कंसर्न्स आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आने दें, अगर आ रहे हैं जमहूरियत का हुसन है, आप लोगों ने भी तो 126 दिनों का धरना दिया था। मैं आपसे एग्री करता हूं, ये मौलाना साहब का पूरा हक है उनको कि वो आएँ और अपना जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है उस पर फ्रीडम के साथ पूरी जमहूरियत में जिस तरह इजाज़त है वो अपनी बातचीत करें। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ कंसिडर करने वाली है वो ये है कि देखें, पाकिस्तान इस वक्त एट द ब्रिंक ऑफ अ वॉर। ओके, पाकिस्तान के सर पे जंग के बादल मंडला रहे हैं, इंडिया डेली आपके बॉर्डर्स पे अटैक कर रहा है, उसने ऑलरेडी कश्मीर, आपके हिस्से वाले कश्मीर को भी अपने कानून के मुताबिक अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है, पार्ट ऑफ चाइना को भी कर दिया है। अब उस पर जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो कल का बयान है उसने कहा है कि पाकिस्तान पे हमला जो है वो चीन पे हमला तसव्वुर होगा। तो मकसद आपको बताने का यह है कि हालात इस हद तक एक तरफ जा रहे हैं जंगी मामलात के हवाले से। इन हालात में जमहूरियत का बहाना करके या इस्लाम का बहाना करके या जो वो फरमा रहे हैं कि जी मैं आज़ादी मार्च, किस चीज़ की आज़ादी मार्च कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। 14 अगस्त तो गुजर चुका है, अब ये कौन सी आज़ादी है जिसके लिए आप आना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक मौलाना जो हैं वो मोदी के एजेंडे पे कार फरमा है। अच्छा, और उस एजेंडे की तकमील के लिए उसको फाइनेंसर ये दोनों मिल गए हैं, इतने डेस्परेट हैं दोनों पार्टियां कि वो उसको खूब फाइनेंस कर रही हैं, और अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर तो दे ही देता है ना कहीं से मौका मिल गया, और वो मकसद है कि पैसा उनसे बटोर रहे हैं कि लाए मैं इनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फाइनेंसिंग हो रही है हर तरफ से, करते रहें, लेकिन मुल्क की, मुल्क और कौम की सालमियत के ऊपर आके किसी किस्म का जो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारा धरना जब हो रहा था इंडिया के साथ, हमारी को कंफ्रंटेशन नहीं हो रही थी, जंग के हालात नहीं हो गया। इब्राहिम भाई बिल्कुल ठीक आ गया।